तो भैया जब से आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ है तब से बस इसकी ट्रोलिंग हो रही है। आदि पुरुष बहुत बड़ी संकटों के बीच फंस चुका है। और हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है क्या ये लोग VFX को मॉडिफाई करेंगे, इसके कंट्रोवर्सी पे भी बात करेंगे और आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत पर जो केस हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे एंड विक्रम वेदा और पोलियन सिल्वन वन के कलेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तो भैया वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले फिल्मी वर्ष के एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके VFX के बारे में। तो देखो एक इंटरव्यू में ओम राउत से एक क्वेश्चन पूछा गया था इसके VFX को लेकर, तो ओम राउत ने इसका जवाब देते हुए ये कहा था कि आजकल के बच्चे आयरन मैन और सुपरमैन जैसे सुपर हीरोज को कंज्यूम करते हैं, उन्हें मार्वल और डीसी की फिल्में पसंद आ रही है, हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन जैसी सीरीज भी उनको बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इस फिल्म को आज के जेनरेशन के लिए ही बनाया, उन्हें इस फिल्म में सब कुछ मिलेगा। मतलब ओम राउत का पर्सपेक्टिव ये है कि वो इन सभी फिल्मों के थ्रू रामायण को दिखाना चाहते हैं, इसीलिए इसने आदि पुरुष के कैरेक्टर को भी उसी तरीके से चेंज किया है। तो देखो अगर तुम्हारा ऐसा सोच है तो ऑडियंस सिर्फ तुमको गाली देगी, अगर तुम रामायण को रामायण जैसे दिखाओगे तो वो ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि इंडियंस के लिए रामायण सिर्फ रामायण नहीं है, ये सभी चीजों से बढ़कर है उनके लिए। तो अगर इसके VFX पे बात करें तो एक सोर्स से ये बात निकल के आ रही है कि ये लोग मूवी के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। इन लोगों ने कुछ दिन पहले 3D का स्क्रीनिंग भी रखा था जो क्रिटिक्स को काफी ज्यादा पसंद आया था, इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि हम इसी VFX को कंटिन्यू करेंगे। इस फिल्म को थिएटर में देखो ये फोन्स के लिए नहीं है। ओम राउत के ऊपर एक केस भी फाइल हुआ है और उन लोगों ने इनसे माफी मांगने के लिए कहा है 7 दिनों के अंदर। और इस केस का मैटर था कि ओम राउत ने आदि पुरुष में इस्लाम फैलाने की कोशिश की है जिसके लिए पब्लिक कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। रामानंद सागर के रामायण में जिन्होंने लक्ष्मण का रोल प्ले किया था उन्होंने इस फिल्म के बारे में ये कहा था, इन लोगों ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिखाया है इस फिल्म में, यहाँ तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है क्योंकि इस फिल्म के कैरेक्टर को काफी ज्यादा चेंज किया गया है, इसी के वजह से इन्हें ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगी। वहीं इंडियन पॉलिटिशियन राज ठाकरे ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है क्योंकि ओम राउत की पिछली फिल्म तानाजी इनको काफी ज्यादा पसंद आई थी, बस इसी के लिए ये इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ओम राउत से ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने इन सब कैरेक्टर को चेंज क्यों कर दिया। ओम राउत ने कहा कि रावण एक डेमोन था, रामानंद सागर जी ने अपने जमाने में सोचा होगा कि रावण दिखने में कुछ ऐसा होता, बड़ी मूंछ, दिखने में खतरनाक जैसा, इसीलिए मैंने रावण को अपने हिसाब से दिखाया कि रावण दिखने में कुछ ऐसा होता। तो भाई इन सब चीजों में तुम अगर अपना दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा ट्रोल नहीं तो और क्या होगा। देखो ये तो 90% कंफर्म है कि ये लोग VFX को नहीं चेंज करने वाले, ये लोग जो भी बनाए हैं वही दिखाना चाहते हैं। तो देखो तुम लोग गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना, ये लोग तुमको ब्रह्मास्त्र जैसे VFX दिखाएंगे। तो अब बात करते हैं विक्रम वेदा और पोनियन सिल्वन वन के कलेक्शन के बारे में। बात करें अगर विक्रम वेदा के बारे में तो इसने पहले दिन 10.5 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसके 7 दिनों का कलेक्शन 56 करोड़ है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड की एक और फिल्म अब डिजास्टर लिस्ट में आ गई है। जिन लोगों को इसका बजट नहीं पता है उनको बता दूं कि इसका बजट 180 करोड़ है और ये अभी तक 56 करोड़ पे ही अटकी हुई है। तो तुम अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये फिल्म कहां तक जाएगी। अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो टोटल 86 करोड़ कमाया है इन लोगों ने 7 दिन में और ये पैसा इंडियन मार्केट और ओवरसीज को मिला के है। अगर बात करें पोनियन सिल्वन वन के बारे में तो इसने 7 दिनों के अंदर ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, ये इनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था। अगर बात करें इसके हिंदी डब के बारे में तो इसने 7 दिनों में 14 करोड़ कमाया है और नॉर्थ मार्केट के अंदर ये लोग उतना प्रमोशन भी नहीं किए थे, उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है ये। लेकिन खैर पैसा तो छाप रही है पोनियन सेल्वन वन। तो तुम बताओ कि आदि पुरुष फिल्म से तुम कितने उम्मीदें रखते हो, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना और अगर यह वीडियो तुमको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज के लिए और हो सके तो इसे शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।